पानी पीने के लिए अगर मजबूर होती है तो राजस्थान की धरती पर होती है। श्रीमान गहलोत जी, आपके शासन में 50-50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पीने का शुद्ध पानी आप राजस्थान को नहीं दे पाए हो। भाइयों बहनों, राजस्थान की भूगोल और गुजरात की भूगोल में ज्यादा अंतर नहीं है। पानी का संकट गुजरात को भी है, पानी का संकट राजस्थान को भी है, लेकिन हमने दुनिया के सबसे लंबी पाइपलाइन डाली, नर्मदा का पानी उठा उठाकर पाकिस्तान की सीमा तक ले गए, 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया और वहां को पानी के संकट से मुक्त कर दिया। और पाइपलाइन की साइज का अंदाज होगा क्या आपको? श्रीमान अशोक गहलोत जी, हमने पानी लहराने के लिए जो पाइपलाइन डाली है ना गहलोत जी, आप मारुति कार में बैठ करके आपके पूरे परिवार को बिठा करके उस पाइपलाइन में कार चला सकते हो। कार इतनी बड़ी पाइपलाइन डाल करके पानी पहुंचाया। लोगों को पीने का शुद्ध पानी आप नहीं दे पाए हो। आपका नंबर 21 बात का है, यहां के रास्ते देखो। आपके मंत्री कहते हैं कि राजस्थान से जैसे ही गुजरात में पहुंचते हैं तो नींद आ जाती है। राजस्थान से गुजरात पहुंचते हैं तो नींद आ जाती है, क्यों? तो बोले रास्ते इतने अच्छे हैं, गाड़ी को कोई जर्क नहीं लगता है। ये बात आप ही के मंत्री कहते हैं, आप ही के गवर्नर आपके रास्तों के खस्ता हाल के लिए जो बयान करते हैं, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आप इसमें भी नंबर 1 है, आप घोटालों में भी पीछे नहीं हो, एक से बढ़कर एक घोटाले, पूरे खानदान पर घोटाले, पता नहीं किस किस पर घोटाले आपके सर पे मड़े हुए। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में किसी एक सरकार के इतने मंत्री जेल में होंगे तो वो भी रिकॉर्ड आपके नाम पर है, वो भी आप रिकॉर्ड आपके नाम पर है। इतना ही नहीं, राजस्थान में आपकी ये पहली सरकार ऐसी है कि जिसने 5 साल के भीतर भीतर 40 से अधिक कॉम्युनल दंगे करवाए हैं, कौमी दंगे करवाए हैं, 40 से अधिक दंगे आपके शासन काल में हुए हैं। ये जिम्मेवारी किसकी है? इसमें भी आपका नंबर 1 है। महिलाओं पर अत्याचार में आप आगे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, मां की गोद में बच्ची की मौत, मां के गर्भ में भ्रूण हत्या का पाप, उस पाप पे भी गहलोत जी आप देश के अंदर आगे खड़े हो। आप कौन कौन चीजों में आगे हो? भगवान बचाए, हमको आपके रास्ते से बचाए और देश को भी बचाए और अब राजस्थान को भी इस रास्ते से वापस लाए। अरे इतना ही नहीं, यही सरिस्का की भूमि जहां पर दुनिया भर के यात्री आते थे, टूरिस्ट आते थे, बाघ देखने के लिए आते थे। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान अशोक गहलोत जी, 50 साल तक कांग्रेस ने ऐसा कैसा काम किया कि आज बाघ कहीं नजर नहीं आते? और गुजरात में आकर के देखो, हमारे यहाँ शेर है, लायन है, लायन की संख्या बढ़ रही है। आपके यहाँ बाघ मर रहे हैं, मेरे यहाँ लायन की संख्या बढ़ रही है। आप किस मुंह से मेरी तुलना कर रहे हो? किस मुंह से गुजरात की तुलना कर रहे हो?
भाई बहनों, अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार इस ऊंचाई के लिए अब तक पहुंचा है भाइयों कि देश कभी कल्पना नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार के आंकड़े यहां तक पहुंच जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे शहजादे कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार में वर्ल्ड चैंपियन हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की ताकत का तो कमाल देखिए। उन्होंने आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है। जल थल नभ, न पाताल छोड़ा न नभ छोड़ा, और धरती पर तो कुछ बचने ही नहीं दिया है जिनका भ्रष्टाचार तीनों लोक में फैला हुआ है। ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसी दिल्ली की सरकार, ऐसे कांग्रेस के कारनामे उसे हिंदुस्तान अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, उन्होंने पाताल लोक के अंदर सबमरीन के घोटाले किए, इन्होंने पृथ्वी लोक में कोयला का घोटाला किया, आदर्श घोटाला किया, रेल का घोटाला किया, पता नहीं क्या क्या किया। वो रेल में भी खा जाते हैं, खेल में भी खा जाते हैं, अरे वो खेत में भी खाते हैं, रेत में भी खाते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ते हैं। भाइयों बहनों, हवा की तमंगे बेच खाए, बोलो हवा की तमंगे, तुलसी का घोटाला किया। भाइयों बहनों, और ये पैसे विदेशों में जमा करवाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब आदमी की कमाई का पैसा विदेशों में बैंकों में पड़ा हुआ है। क्यों ना भारत सरकार कानून बनाए, विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के पैसे हो तो उसका हिसाब देने का कानून क्यों ना बनाए। वो पैसे कहां से आए, कहां से लिए गए, कहां रखे गए, कौन है उसके पीछे, इस देश की जनता को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए भैया। ये चोर लुटेरों की जानकारी मिलनी चाहिए कि मिलनी चाहिए, ये हमारे रुपये विदेशी बैंकों में रखने वालों के पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उनसे कर वसूल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिल्ली की सरकार को मुसीबत हो रही है, वे भ्रष्टाचारियों का रक्षण करने में लगे हुए हैं।